तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में, जो कि होने वाला है 2002 में रिलीज हुई मूवी पर, जिसका नाम है इरिवर्सिबल। दोस्तों, ये एक फ्रेंच मूवी है जिसकी टाइमलाइन एक्चुअली रिवर्स है, यानी गाइज इसमें हमें एंडिंग पहले एंड बाकी बातें बाद में पता चलती है। मूवी इज बेसिकली बेस्ड ऑन रिवर्स क्रोनोलॉजी। इस मूवी ने काफी अवार्ड्स भी जीते हैं और उनमें से एक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म। मूवी को डायरेक्ट किया है गैस्पर नोई ने एंड मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 out of 10, जो 1,15,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों ने दी है और ये काफी अच्छी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वार्निंग दे दूं कि वीडियो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है और इसमें जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया है ये मूवी का ही एक पार्ट है, तो उसे एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखें। हम मूवी में दिखाई गई चीजें प्रमोट नहीं करते और अगर आप ऐसी चीजें नहीं देख पाते तो अभी वीडियो को क्विट करें। मूवी की स्टोरी शुरुआत में हम अकॉर्डिंग टू मूवी ही जानेंगे एंड फिर एट द एंड मैं आपको पूरी मूवी इन नॉर्मल एंड परफेक्ट टाइमलाइन में एक्सप्लेन करूंगा। एंड गाइज, मूवी आपको देखने पर काफी कंफ्यूज करती है और मुझे खुद ही ये मूवी 3 बार देखनी पड़ी एंड मुझे इस वीडियो को बनाने में भी काफी मेहनत लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दे एंड आपको वीडियो कैसी लगी ये वीडियो देखकर एक बार कमेंट जरूर करें। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम दो लोगों को एक अपार्टमेंट में बातें करते हुए देखते हैं, जिनमें से एक बंदा था बुचर, जो इस मूवी के डायरेक्टर की पिछली फिल्म आई स्टैंड अलोन मूवी का हीरो था, जो बोलता है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया था उसी के बेटी का रेप करने के लिए। और तब हम लोग उसी अपार्टमेंट के साइड में एक जगह को देखते हैं जिसका नाम था रेक्टम, और इस जगह सारे होमोसेक्सुअल लोग रहते थे और ऐसे लोगों को प्लेजर देते थे जो इनमें इंटरेस्टेड हो। हम लोग रेक्टम में पुलिस को आई देखते हैं, जिन्हें वहां से एक डेड बॉडी मिली थी और उसे दो दोस्तों ने मिल के मारा था और उन हथियारों का नाम था मार्कस एंड पियरी। मार्कस जख्मी था तो उसे एम्बुलेंस में भेजा जाता है और पियरी पुलिस के हिरासत में था। और अब हमें इसके पहले क्या हुआ था ये दिखाया जाता है रिवर्स क्रोनोलॉजी में। हम लोग रेक्टम के अंदर का सीन देखते हैं और कैमरा कई बार गोल गोल घूमता है और हम वहाँ कई सारे होमोसेक्सुअल लोगों को देख पाते हैं। अचानक से रेक्टम के अंदर दो लोग एंटर करते हैं और वो दो लोग कोई और नहीं मार्कस एंड पियरी थे, और इन दोनों में से मार्कस काफी ज्यादा गुस्से में था और वो लेटेनिया नाम के आदमी को ढूंढ रहा था। और पियरी मार्कस को रोकने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था कि हमें पता नहीं है कि ये लोग कौन है और यहाँ खतरा हो सकता है, पर बिना उसकी बात माने मार्कस रेक्टम के अंदर के सभी लोगों को टेनिया के बारे में पूछ रहा था, पर किसी को भी उसका पता नहीं था। ऐसे ही रेक्टम के अंदर दो फ्लोर और नीचे जाने पर कोई बोलता है कि वो इसी जगह पर इसी फ्लोर पे मिलेगा, और तब मार्कस को एक बंदा मिलता है जो टेनिया को जानता था और वो मार्कस को बोलता है कि पहले मुझे पैसे देके मेरे साथ वक्त बिताओ और फिर मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ। पर मार्कस इतना गुस्से में था कि वो उस आदमी को पीट के आगे जाता है। तब उसे एक जगह पर टेनिया एंड एक आदमी खड़े हुए दिखते हैं। मार्कस पूरे गुस्से में टेनिया को मारता है और इनमें आपस में काफी हाथापाई होती है और पियरी इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर टेनिया मार्कस को गिराकर उसका एल्बो जॉइंट अपने घुटने से तोड़ देता है और उसकी पैंट उतार के उसका रेप करने की कोशिश करता है और आसपास सभी लोग तमाशा देख रहे थे। पर तभी पियरी एक फायर एक्सटिंग्यूशर से टेनिया को मारता है और उसे गिराकर लगातार उस फायर एक्सटिंग्यूशर से टेनिया को मार मार के उसके मुंह की चटनी बना देता है और इस वार के कारण टेनिया मारा जाता है। अब आपको पता चल गया होगा गाइस कि शुरुआत में पुलिस ने मार्कस एंड पियरी को गिरफ्तार क्यों किया था, क्योंकि उन्होंने टिनिया को मारा था। और याद रहे गाइस कि स्टोरी की टाइमलाइन रिवर्स ऑर्डर में है, तो अब हम वो समय देखते हैं जब मार्कस एंड पियरी दोनों भी टिनिया को ढूंढ रहे थे। ये दोनों भी रेड लाइट एरिया में जाते हैं और हर होटल और हर इंसान को रेक्टम का पता पूछ रहे थे, पर बहुत कम लोग थे जो उस जगह को जानते थे। तब इनके साथ दो लोग और भी थे जो इनकी मदद कर रहे थे द रेक्टम जगह ढूंढने में, और ये दो लोग कौन थे ये हमें आगे पता चलेगा। ये चारों मिलके कई लड़कियों को पूछते हैं कि रेक्टम कहाँ है। तब ये दोनों मार्कस को बोलते हैं कि टेनिया को ये लड़की जानती है और वो रेक्टम का पता भी दे सकती है। पियरी एंड मार्कस में तो झगड़ा कंटिन्यू चल रहा था, क्योंकि पियरी मार्कस को समझा रहा था कि हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, पर मार्कस नहीं सुनता और वो उस लड़की को जो टेनिया को जानती थी वो उसे डरा धमका कर रेक्टम का एड्रेस पूछता है और वो लड़की मार्कस को उसका पता दे देती है, पर उसे भी एग्जैक्ट पता नहीं पता था। तो गुस्से में मार्कस उस लड़की को
मारने की कोशिश करता है, पर उस एरिया की सारी लड़कियां इन पे हमला कर देती है और ये जान बचा के कार में बैठकर भाग जाते हैं और रेक्टम की तरफ जाते हैं। अब हम उससे पहले भी क्या हुआ था ये देखते हैं। कुछ पुलिस वाले इन दोनों से पूछताछ कर रहे थे और ये दोनों काफी डिस्टर्ब थे, और पुलिस इनके साथ पूछताछ क्यों कर रही थी इसका राज आगे खुलेगा। पुलिस इन दोनों को छोड़ देती है और तब इन दोनों को ये दो लोग मिलते हैं जो पिछले सीन में थे, और ये दोनों पैसों के लिए मार्कस से डील करते हैं कि वो दोनों मार्कस को टेनिया एंड रेक्टम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उनका कहना था कि बदला तुम खुद लो, पुलिस का कोई फायदा नहीं है और टेनिया ने जो किया है उसकी सजा सिर्फ मौत है और पुलिस उसे सिर्फ जेल में बंद करेगी। तो मार्कस को ये आइडिया अच्छा लगता है और तब ये सब होता है। फिर इससे पहले की कहानी हमें पता चलती है कि मार्कस एंड पियरी टेनिया को इसीलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि टेनिया ने मार्कस की गर्लफ्रेंड का रेप किया था और उसे बुरी तरीके से जख्मी भी किया था, और इसीलिए पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही थी। और तब ये दोनों मार्कस को वेंजेंस यानी कि बदला लेने की बात करते हैं। अब हमें पता चलता है कि असल में मार्कस की गर्लफ्रेंड एलेक्स के साथ क्या हुआ था और कैसे हुआ था। एलेक्स एक पार्टी से घर लौट रही थी और तब वो अंडरपास से जा रही थी। वहां टेनिया एक ट्रांस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था और टेनिया एलेक्स को देखकर उस लड़की को जाने देता है और एलेक्स के पास आता है और उसे एक जगह पर खड़ा करके चाकू के नोक पर उससे जबरदस्ती करता है, और फिर वो उसे गिरा कर उसका रेप करता है, और उसके बाद वो एलेक्स को लातों से बुरी तरीके से पीटता है। और ये सब होते हुए एक आदमी देख लेता है और वो आदमी कोई और नहीं, वो दो लोगों में से एक था जो इन दोनों को टेनिया का पता बता रहे थे और उनकी मदद कर रहे थे पैसों के लिए। अब उसके पहले की कहानी सामने आती है। असल में एलेक्स मार्कस एंड पियरी तीनों भी एक पार्टी में आए हुए थे। एलेक्स मार्कस से तंग आ चुकी थी क्योंकि मार्कस को ड्रग लेने की आदत थी और वो एलेक्स से लॉयल नहीं था। वो अक्सर दूसरी लड़कियों के साथ भी फ्लर्ट करता था और ये बात एलेक्स को खटकती है और वो गुस्सा होकर अकेले ही पार्टी से निकल पड़ती है, और बस उसी एक डिसीजन के चलते उसके साथ ये सब हो जाता है। उससे पहले हम इन तीनों को साथ में देखते हैं जो पार्टी में आ रहे थे, और तब पियरी मार्कस को बोलता है कि वो एंड एलेक्स पहले रिलेशनशिप में थे पर तुमने मुझे उससे छीन लिया, और ये तीनों आपस में बातें करते हुए मस्ती करते हुए पार्टी में जा रहे थे। और फिर अब हम इस मूवी का लास्ट सेकंड सीन देखते हैं, और नॉर्मल टाइम के अनुसार ये सेकंड सीन है जिसमें एलेक्स एंड मार्कस इंटीमेट होते हैं, और ये कई दिनों से चला आ रहा था और ये दोनों कई दिनों से रिलेशनशिप में थे जिसके कारण एलेक्स प्रेग्नेंट हो गई थी। एंड मूवी के वेरी सीन में हम एक इटालियन लड़की जो फ्रांस में रहने आई थी जिसका नाम एलेक्स था, उसे हम एक गार्डन में बैठा हुआ देखते हैं और वो एक बुक पढ़ रही थी, और यहाँ मूवी का एंड होता है। अब गाइज मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोगों को इसकी रिवर्स क्रोनोलॉजी की टाइमलाइन से थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो गई होगी, तो अब हम इस पूरी मूवी को इन नॉर्मल टाइमलाइन के साथ डिस्कस करेंगे। इस मूवी में कुल 13 मेन इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं जिसमें शुरुआत में हम एलेक्स नाम की इटालियन लड़की को देखते हैं जो फ्रांस में शिफ्ट हुई थी। एलेक्स गार्डन में कर एक बुक पढ़ रही थी। फिर हम अगले सीन में एलेक्स के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम था मार्कस, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। ये दोनों काफी टाइम से एक साथ में थे और एलेक्स प्रेग्नेंट थी। अब ये दोनों एक जगह पर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। फिर एलेक्स मार्कस एंड मार्कस का एक दोस्त पियरी तीनों भी ट्रेन से पार्टी में जा रहे थे, और यहाँ पर पियरी मार्कस को बोलता है कि एलेक्स उसकी एक्स थी और तुमने ही उसे मुझसे छीना है, और ये तीनों मस्ती करते हुए पार्टी में जा रहे थे। ये तीनों पार्टी में पहुंचते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स मार्कस के स्वभाव से तंग आ गई थी क्योंकि वो काफी ड्रग्स एंड अल्कोहल लेता था, और वो एलेक्स से लॉयल भी नहीं था। वो एलेक्स के पीठ पीछे दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था एंड पियरी उसे इसके लिए समझाता है। कुछ देर तक पार्टी में एलेक्स अकेली ही थी और मार्कस थोड़ी देर में उसे ज्वाइन होता है, और एलेक्स थोड़ा सा मार्कस से नाराज थी क्योंकि मार्कस ने उसे अकेले ही छोड़ा था, और इसीलिए एलेक्स पार्टी से निकलने का सोचती है। मार्कस उसे बोलता है कि अकेली मत जाओ, बाहर सेफ नहीं है, पर फिर भी एलेक्स उसकी बात नहीं मानती और वो पार्टी से निकल कर अंडरपास से अकेली ही जा रही थी कि तब लेटेनिया नाम का एक आदमी नशे में एक ट्रांस लड़की को छेड़ रहा था, पर जब वो एलेक्स को देखता है वो उस लड़की को छोड़कर एलेक्स से जबरदस्ती करने लगता है, और चाकू के नोक पे वो बेचारी एलेक्स का रेप करता है, और उसके बाद वो उसे लातों से बहुत मारता है, और ये सारी हरकत एक आदमी देख लेता है और चला जाता है। दूसरी तरफ कुछ देर बाद मार्कस एंड पियरी पार्टी छोड़ते हैं और वो दोनों घर जा रहे थे कि तभी उन्हें एक जगह पर एम्बुलेंस दिखती है और मार्कस स्ट्रेचर पर एलेक्स को लेटा हुआ देखता है जो काफी जख्मी थी। पुलिस इन दोनों की पूछताछ करते हैं और उनका फोन नंबर लेके छोड़ देते हैं, और वो मार्कस और उन्हें बोलते हैं कि एलेक्स के साथ जिसने ये सब किया है वो उसे ढूंढ लेंगे। पर तभी दो आदमी मार्कस से मिलते हैं और बोलते हैं कि उनमें से एक बंदे ने एलेक्स के साथ जो हुआ वो देखा है और ये काम टेनिया ने किया है, और वो
दोनों मार्कस को बोलते हैं कि तुम टेनिया से बदला लो और हमें पैसे दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मार्कस मान जाता है, पर पियरी को ये बात पसंद नहीं थी। अब ये दोनों आदमी मार्कस को उस ट्रांस लड़की के पास ले जाते हैं जो टेनिया की लास्ट विक्टिम थी, और टेनिया ने उस समय एलेक्स को देखकर उस ट्रांस लड़की को छोड़ दिया था। मार्कस उस लड़की को गुस्से में टेनिया का पता पूछता है, पर उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर उन्हें ये पता चल जाता है कि वो रेक्टम में है। और मार्कस अपने दोस्त पियरी के साथ रेक्टम जाता है और वहाँ टेनिया के बारे में सबको पूछता है, पर किसी को भी उसका पता नहीं था। पर एट द एंड एक बंदे को उसके बारे में पता था और मार्कस उसे मार के टेनिया का पता पूछता है, और उसे टेनिया मिलते ही वो शुरुआत में टेनिया को बहुत मारता है एंड मार्कस एंड टेनिया में हाथापाई होती है। टेनिया मार्कस को गिरा कर उसका हाथ तोड़ देता है और फिर उसकी पैंट उतार कर वो मार्कस का रेप करने वाला था, पर तभी पियरी वहां आके फायर एक्सटिंग्विशर से वो टेनिया को बहुत मारता है और उसके सर पर वार कर करके उसके पूरे सर को कुचल देता है, और टेनिया इसके चलते मारा जाता है। और तब रेक्टम में पुलिस आती है और वो मर्डर के जुल्म में पियरी एंड मार्कस को गिरफ्तार करते हैं। मार्कस का हाथ टूटा हुआ था और इसीलिए उसे पहले एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और पुलिस पियरी को हिरासत में लेती है कानून हाथ में लेने के चलते। एट द एंड हम रेक्टम के साइड के अपार्टमेंट में दो लोगों को बातें करते हुए देखते हैं, जिनमें से एक आदमी था बुचर, और वो इस फिल्म के डायरेक्टर की पिछली फिल्म आई स्टैंड अलोन मूवी का मेन लीड हीरो था, और ये फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी। और बुचर अपने साथ बैठे आदमी को बोलता है कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ था अपने ही बेटी का रेप करने के कारण, एंड मूवी यहाँ पर एंड होती है। यानी गाइस, ये इररिवर्सिबल मूवी एंड 1998 में आई आई स्टैंड अलोन मूवी का आपस में कनेक्शन दिखाया गया है, एंड इररिवर्सिबल मूवी इनडायरेक्टली आई स्टैंड अलोन 1998 मूवी की सीक्वल है। तो अगर आपको आई स्टैंड अलोन मूवी 1998 की भी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। एम करते हैं इस वीडियो में 2000 लाइक्स का, एंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दे और सपोर्ट करें। मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, आपको इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।